नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्यूब रोज के बारे में। और ट्यूब रोज प्लांट या रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टिक निकला हुआ है और कुछ फूल खिले हैं और कुछ स्पेंट भी हो चुके हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऐसे ही ये नीचे नीचे से खिलता जाएगा और खिलने के बाद ये पूरे ऊपर तक चला जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसकी स्टेम को बिल्कुल नीचे से यहाँ से कट कर देंगे, ताकि फिर दूसरी स्टिक्स ऐसे निकले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टिक और निकल रहा है, ये देखिए। तो अभी ये बारिश का सीज़न है, तो रेनी सीज़न में ये बहुत ज़्यादा इनमें फूल खिलते हैं, तो इनकी थोड़ी सी इतनी देखभाल की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा तो देखभाल नहीं है। तो इसकी जो नीचे नीचे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे जो वीड्स निकलते हैं, इनको हमें बीच बीच में हटाते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये सारे जो वीड्स होते हैं, ये सारे इनको चूस लेते हैं, इसलिए इनको सकर्स भी कहते हैं। तो इनको हमें बीच बीच में हटाते रहना चाहिए। और दोस्तों, इसको फास्फोरस वाला फर्टिलाइज़र तो नहीं चाहिए, पर DAP इनको देने से ये इनमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो इनमें बस थोड़ी थोड़ी DAP ही देना है। और अभी बारिश का मौसम है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट को देखिए कितना घना हो गया है। अगर आप एक बल्ब आप लेकर आते हैं और आप लगाते हैं, तो एक साल में आप उनमें से बहुत सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि ये बल्ब्स को, न्यू बल्ब्स तैयार होते हैं, राइजोम्स तैयार होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, नई प्लांट्स अभी शुरू हो रहे हैं, मतलब इनके नीचे भी बल्ब्स तैयार हो रहे हैं। तो ये प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। यहाँ पर एक हुआ था, ये वाला, यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, और अभी तक इसके और स्टिक्स नहीं निकले हैं। तो धीरे धीरे अभी इनमें भी स्टिक्स निकलेंगे। और बारिश, हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अभी। और दोस्तों, आज मैं इनमें थोड़ी सी DAP का अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत ही छोटे छोटे दाने हैं, तो बस इस तरह से सारे पॉट में दे दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे दाने हैं, इसलिए मैं देखिए कितना है, 7 से 8 दाने ही हैं, उतनी ही दूंगी। और अभी बारिश हो रही है, तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र देने में कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी रेड पोटास ऐसे ही ऊपर से मैं दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, एकदम थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे रही हूँ, ताकि इनके जो फ्लावरिंग हो तो हेल्दी फ्लावरिंग हो, और जो फूलों में, पत्तों में थोड़ी सी चमक बनी रहे। यहाँ पर देखिए, और उसके बाद मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर लेती हूँ, यहाँ पर देखिए, ताकि ये जो खाद दी है मैंने वो मिट्टी में मिल जाए। ये देखिए, इसी तरह से ये सारे पॉट में थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेंगे, ताकि ये जो खाद दी है वो वेस्ट ना जाए, वो थोड़ी सी मिट्टी में मिल जाए। और अभी दोस्तों, फूल इनमें बहुत सारे आएंगे, और बिल्कुल शाम को ही इनके फूल खिलते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके बालकनीज हैं, तो बालकनीज में आप अगर इसको रखते हैं, तो आप बहुत अच्छी स्मेल फिर घर के अंदर तक भी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हम मेरे छत पर है, टेरेस पर है, तो
रात को तो यहाँ पर आना नहीं होता। तो दोस्तों बस यही इतनी सी ही खाद देनी है और थोड़ी सी अगर धूप निकलती है तो इनमें मैं जो सरसों की खली होती है उसी की लिक्विड खाद बनाकर इनमें अप्लाई करूँगी। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।